Sir, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे ठीक से। गुड नो आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। फुल बेंच 138 फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है, पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते और नहीं कर पाते? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो। और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है।